जय हिंद छात्रों, जैसे कि हम बात करेंगे इस वीडियो में वज्रगुणन विधि कैसे बनाया जाता है। और मैथ में काफी बार एग्जाम में पूछता है सवाल है वज्रगुणन विधि या प्रतिस्थापन या विलोपन विधि, ये तीनों विधि से आपका आंसर सेम ही आता है। और जब भी आप हल करेंगे, ये क्लास टेंथ की बात करेंगे ना, तो क्लास टेंथ में ये तीनों विधि शुरू में ही पढ़ना पड़ता है हमें, ठीक है। जो चैप्टर 2-3 की बात करें हम लोग, 3-4 में, ठीक है, तो उसमें आपको वज्रगुणन विधि आता है, एक प्रतिस्थापन, एक विलोपन, ये तीनों बहुत टॉप होता है और आपको इजी मैं बताऊंगा इसमें, ठीक है। आपको कुछ भी रटने की जरूरत नहीं है, मैथ कुछ भी रटने की जरूरत नहीं है, केवल आप देखेंगे और देखते देखते आपको चीज़ें समझ में आ जाएगी बिल्कुल, ठीक है। तो हम बात करेंगे वज्रगुणन विधि कैसे बनाया जाता है, ठीक है। उसके बाद में समय को देखते हुए सोचेंगे, प्रयास करेंगे वीडियो आपका कम समय में हो, समय ज़्यादा खींचेगा तो प्रयास करेंगे वीडियो सेकेंड वीडियो में आपको प्रतिस्थापन बताने के लिए और विलोपन, और तीनों का आंसर सेम ही आएगा। तीनों विधि से आंसर क्या आता है, सेम ही आता है बिल्कुल। चलिए बात करेंगे यहाँ पर, ठीक है। तो सबसे पहले वज्रगुणन विधि, ठीक है, आपको चीजें थोड़ा सा हल्का सा और ना दिखता होगा, थोड़ा सा कवर करेंगे यहाँ पर। यहाँ पर दिख गया होगा कि कौन बताने वाले, वज्रगुणन विधि, ठीक है। यहाँ पर वज्रगुणन विधि आपको दिखता होगा बिल्कुल, ठीक है, ओके। तो हम बात करेंगे इस क्वेश्चन को, ठीक है, इस क्वेश्चन को हम लोग बात करेंगे, थोड़ा सा आपको नीचे करते हैं, आपको चीजें दिखता होगा बिल्कुल अब, प्लीज ओके। चलिए तो सबसे पहले क्या करेंगे हम लोग, सबसे पहले क्या करेंगे, इक्वेशन 1 इक्वेशन 2, ठीक है, यानी कि समीकरण 1 और समीकरण 2 मान लेंगे, ठीक है, ओके। इससे पहले क्या काम करना रहता है हमें वज्रगुणन विधि में, ठीक है, या प्रतिस्थापन विलोपन, तीनों का अलग अलग होता है नहीं हम लोग, लेकिन तीनों विधि से आंसर सेम ही आता है। तो वज्रगुणन विधि में हम क्या करेंगे, सबसे पहले मेरे प्यारे बच्चों, 3 को गुना का चित्र देंगे, मतलब 3 को गुना ऐसे काटेंगे, फॉर्मूला कैसे हम लोग बनाते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर x दे देंगे, क्या, तो यहाँ पर x दे देंगे, ठीक है, थोड़ा सा कलर को हम चेंज करेंगे, बिल्कुल आपको चीज दिखेगा, यहाँ पर x दे देंगे, ओके, कोई बात नहीं, चेंज नहीं हुआ, y और 1, ठीक है। अब क्या करेंगे, यहाँ पर b लिखेंगे और नीचे भी b लिखेंगे, लास्ट में भी b लिखेंगे और लास्ट में b, ओके, इतना कर लेंगे। उसके बाद यहाँ पर बचा और यहाँ पर बचा, तो बी के बाद में क्या होता है, सी होता है, सी सी दे देंगे, और बी से पहले क्या होता है, तो ए होता है, ओके, ए होता है, और यहाँ पर 1 पता है क्या देंगे, 2 देंगे, और यहाँ पर क्या देंगे, 1 2 1 2 1 2, ओके, 1 2 1 2 1 2 1 2 ऐसे कर लेंगे। अब करना क्या है, कुछ नहीं करना है, थोड़ा सा आपको चीजें अच्छा से देखता होगा बिल्कुल। अब x से तो क्या करेंगे, पाई खींच देंगे और x इस तरह लिख देंगे, नीचे बिल्कुल नहीं, ऊपर लिखेंगे, क्या लिखेंगे, ऊपर लिखेंगे, ओके। अब b1 और c2 क्रस मल्टी ऐसे ऐसे आपको गुना करना है, इसके और इससे लेना है, गुना करेंगे, ठीक है, क्योंकि b1 और c2 माइनस फिर a वाला आएंगे और a वाला लेंगे, ठीक है। तो c1 आगे हाई लिख सकते हैं, चाहिए भी लिख सकते हैं, ठीक है, तो c1 लिखते आगे c1 और b2, ठीक है, b2 यानी कि 12 12, 1 2 यानी कि 12 12, अब बराबर लगा देंगे बिल्कुल, y है तो y, ओके। बात करेंगे C1 A2, ठीक है, C1 A2 माइनस A1 A2, या हाई लिख सकते हैं आगे या भी लिख सकते हैं, कोई बात नहीं इसे, तो A1 A1 C2 यानी कि कह सकते हैं 12 12 भी है कि 12 12 12, या 12 21 12 21 बनाने का ट्रिक आपका ऊपर डिपेंड करता है। अब एक है तो 1 लिख देंगे, लेकिन यहाँ पर चीजें आपका हल्का चेंज हुआ, कहाँ होगा कैसे होगा बता देंगे बिल्कुल। A1 और B2 A1 B2, ओके, माइनस लगा देंगे, B1 और A2 B1 और A2, यहाँ तक चीजें समझ में आ गया, थोड़ा धीरे चलते होंगे लेकिन आपको चीजें समझ में बिल्कुल आएगी, ओके। तो ये फॉर्मूला बनेगी, आपको फॉर्मूला भी दिखता होगा बिल्कुल यहाँ पर, ठीक है, फॉर्मूला आपको बिल्कुल दिखता होगा, ओके, दिख गया होगा, ठीक है, फॉर्मूला कैसे बना है, सारी चीजें आपको समझ में भी आ गया होगा बिल्कुल, ठीक है। इसको थोड़ा सा हम और कहिएगा तो अलग छटकाल भी देंगे, ओके। चलिए तो हम बात करेंगे, इसको हटा दिए, ओके, A2 यहाँ पर आएगा। चलिए ये फॉर्मूला हम लोग का हो गया, बन गया, रेडी, तैयार हो गया, ठीक है। यहाँ पर 2 था 2 लगा दी, इसको हटना है तो हटा भी दिए, ओके। अब क्या करेंगे ना, अब क्वेश्चन पे आएंगे, ठीक है, इस फॉर्मूला को अगर हम अलग हटा दें तो उसे कोई दिक्कत नहीं है, हम कैसे बनाएंगे इस पर आप ध्यान देंगे बिल्कुल। सीधी बात है, फिर से क्वेश्चन लिख सकते हैं, ये फॉर्मूला आपको बताएं कैसे फॉर्मूला, इसी फॉर्मूला को बनता है, ये वज्रगुणन विधि का फॉर्मूला हुआ। तो क्या करेंगे हम, एक और लिखेंगे ए, देखेंगे ए बी और सी, ओके, फिर इधर लिखेंगे ए बी और सी, ओके, अब यहां पर 1
वन ये आपका दूसरा का है, दो 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 कर दी। ओके पहले का तो पहले के कर दी और दूसरे का कर दी। ओके करना कुछ नहीं है, ठीक है। अब इसके लिए क्या करना है, आई पहले का समीकरण आपको देखता होगा, ठीक है। तो पहले का समीकरण के लिए ही हो जाएगा, और है दूसरे का समीकरण आपको देखता होगा, दो दिया ना, दो 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 है सब, तो दूसरे का समीकरण के लिए आपके लिए हो जाएगा। तो यहाँ पर कुछ नहीं दिया है, तो क्या है, एक है ए वन, क्या है एक है, मतलब कह सकते हैं मेरे प्यारे बच्चों, मेरे प्यारे भाइयों, कि ए पता है क्या है, ए है और ए बी वाला है और ए वाला सी वाला है। ओके ए वाला बी वाला और सी वाला, ए वाला बी वाला सी वाला, मतलब ए है, इसके आगे क्या है, ए कुछ नहीं तो एक है, तो एक लिख देंगे यहाँ पर। ओके अब प्लस में इसके आगे भी कुछ नहीं तो क्या है, एक है, तो एक लिख देंगे यहाँ पर। अब सी के बाद कर, सी क्या है, तो पांच है, सी आपका पांच। ओके अब बात करेंगे दो, मतलब ए टू बी टू सी टू वाला समीकरण दो के लिए। यहाँ पर एक्स का गुणांक, गुणांक क्या है, तो यहाँ पर दो है, यानी कि एक्स का गुणांक लिखा जाएगा, वाई का गुणांक लिखा जाएगा, और बाकी जो चीजें ना चर और अचर, मतलब केवल स्पष्ट अचर होगा वो सी वाला होता है, ठीक है। तो चर अचर दोनों इसमें है, तो यहाँ पर अचर, अचर क्या है, दो है, तो दो लिख लेंगे। ओके इसके आगे वाई का गुणांक क्या है, तीन है, तीन के आगे क्या है, माइनस में है, तो माइनस के क्या लिखेंगे, तीन लिखेंगे। अब चार जो स्पष्ट आपको क्या लिखना है, चार लिखना है, बिल्कुल थोड़ा सा भंगाया होगा, कोई बात नहीं, समझाया है बिल्कुल, ठीक है। तो ऐसे कर लेना है। अब ऐसे करने के बाद में ना ये फॉर्मूला आपको जो दिया है, इस फॉर्मूला को हम लोग बनाएंगे, ठीक है, जो फॉर्मूला आपका है यहाँ पर, ठीक है, इस फॉर्मूला को बनाएंगे, ठीक है। ओके थोड़ा उसको हटाएं, कोई बात नहीं, ये फॉर्मूला को हटाते हैं बिल्कुल थोड़ा सा, ठीक, तब आपको थोड़ा सा इस फॉर्मूला को वहां पर ले जाएंगे, ओके और बताएंगे। चलिए इस फॉर्मूला को ले आ लिए यहाँ पर हम, और इसी फॉर्मूला पर हमें क्या करना है, बैठाना है। ओके आपको दिखता हुआ फॉर्मूला जो बनाया था हम लोग। ओके चलिए हम लोग उठा लिए, अब फॉर्मूला की कोई हम चाहे तो कोई कलर दे सकते हैं। ओके कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, भागो मत। चलिए कोई कलर कह रहा है कि नहीं चाहिए हमें, तो छोड़ भी देते हैं, कोई बात नहीं। तो अब एक्स है, तो एक्स सेम देंगे। ओके और बी वन, बी वन कितना है, एक है, तो एक देखेंगे, यहाँ पर माइनस आएगा, ठीक है, अभी थोड़ा ये मत बताएंगे हम, जो जानते हैं। और सी टू देखेंगे, सी टू कितना है, चार है, माइनस सी वन कितना है, सी वन देखेंगे यहाँ पर पाँच है। ओके गुणा बी टू कितना है, तो आपका माइनस के तीन है। ओके बराबर लगा देंगे, वाई लिख देंगे वाई, ठीक है, और सी वन कितना है, तो आपका पाँच है, गुणा ए टू कितना है, तो ए टू आपका दो है, माइनस ए वन कितना है आपका, तो एक है, गुना सी टू कितना है, तो आपका चार है। ओके यहाँ तक तो चीजें तो आपको क्लियर आया होगा। अब एक है तो एक बाटा, ए वन कितना है, तो ए वन आपका एक है बिल्कुल, गुना बी टू कितना है आपका, तो माइनस के तीन, तो माइनस के तीन लिखेंगे यहाँ पर, और माइनस बी वन कितना है, तो बी वन आपका एक है। ओके गुना, ठीक है, ए टू कितना है, तो ए टू आपका दो है। लेकिन मेरे प्यारे बच्चों, मेरे प्यारे भाइयों, ध्यान देंगे यहाँ पर, ठीक है, यहाँ पर एक जो है ना, एक इसके आगे माइनस और प्लस ये दोनों छुपा रहता है, मतलब प्लस तो छुपा है प्लस से, लेकिन हमें करना क्या है, अगर अगर आपके क्वेश्चन में बराबर में जीरो नहीं लगा होगा, मतलब समझेंगे थोड़ा सा यहाँ पर चीजें, थोड़ा सा आपको दिखाने का प्रयास करेंगे। इस क्वेश्चन को देख रहे हैं शुरू में, बराबर में अंक है, इसको बराबर में नहीं भेजा गया है, और बराबर में जीरो रहता है, बराबर में जीरो रहता तो यहाँ पर हम पता है माइनस ना देते हैं, बराबर में अगर जीरो रहता तो माइनस ना देते, और बराबर में अंक है तो हमें माइनस देंगे, इसलिए क्योंकि जो प्लस में है ना, एक सेकंड थोड़ा सा बताएंगे, ये जो प्लस में है ना, प्लस में इधर आता तो माइनस में रहता, वही माइनस में वहां पर लिखा जाता है। अगर वही थोड़ा सा समझेंगे ऐसे, एक बार हम थोड़ा सा अलग इसको करते हैं बिल्कुल, ठीक है, प्रयास करेंगे पूरा तरह से समझाने के लिए, ठीक है, तोड़कर। ऐसे मान लीजिए एक्स प्लस वाई बराबर पांच है, इसमें जो है ना, अगर ऐसा आपका मिलेगा बराबर में कोई अंक होगा ना, तो उसमें माइनस लगाएंगे एक, ठीक है, लास्ट में माइनस एक लगाएंगे। अगर सॉरी अगर एक्स प्लस पांच, सॉरी एक्स प्लस वाई, तो वाई आई प्लस में रहेगा तो क्या हो जाएगा, माइनस के पांच, अब बराबर में क्या लग गया, जीरो। अगर बराबर में जीरो लग जाएगा ना, तो वहां पर पता है एक ही रहेगा, क्या रहेगा,
एक ही है। क्या सही बोले? बिल्कुल बोले। बराबर में अगर, क्योंकि माइनस है ना यहाँ पर आ चुकी है इसलिए माइनस वहां पर नहीं देंगे। अगर वही बराबर में जीरो नहीं लगता ना, इसे बराबर में जीरो नहीं तो माइनस लगाते वहां पर सूत्र में। ठीक है, ओके, समझ गए बात को? बिल्कुल समझ गए होंगे हम आशा और उम्मीद करता हूँ कि आपको चीजें समझ में आ गया होगा। हम प्रयास करेंगे कि कमजोर से कमजोर बच्चों समझ में आ जाए। ठीक है, चलिए तो यहां तक आप क्या करेंगे, माइनस लगाएंगे क्योंकि माइनस लगाना हम लोग का धर्म है, ऐसा कोई बात नहीं है। ठीक है, आप देखिए हल करेंगे x बाटा, ठीक है, चार एकम चार हो जाएगा, माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस। ओके, गुना में पावर जुड़ता है, भागा पावर घटता है, और चिन्ह भी जुड़ता है गुना में, भागा में चिन्ह नहीं जुड़ता है। ओके, ज्यों का त्यों रहता है। तो पांच कितना हो जाएगा, पंद्रह हो जाएगा। ओके, बराबर लगा देंगे। ओके, बराबर y बाटा पांच दूना दस, माइनस चार एकम चार, फोर बन जा फोर, बराबर माइनस के तीन और एक में गुना होता माइनस तीन, और क्या करेंगे माइनस दो माइनस, और दो एकम दो। आई कांट बिलीव दिस नॉट मी, हमें पता है कि आपको समझ में आ गया होगा, यहां तक तो कोई दिक्कत नहीं होगा। ठीक है, और x बटा कहने का मतलब पंद्रह को और चार को कितना हो जाएगा, उन्नीस हो जाएगा। ओके, समझ गए होंगे चीजों को, पंद्रह चार कितना हो जाएगा, उन्नीस हो जाएगा। ओके, थोड़ा सा मिटा दे क्योंकि कहता है ना नहीं मिटेंगे। ओके, बराबर में लगा देंगे, क्या लगाएंगे आप बराबर में y, और घटेगा तो कितना हो जाएगा, छ होगा, बराबर माइनस के एक। ओके, और घटेगा नहीं, दोनों माइनस में ही, तो माइनस से के क्या हो जाएगा, पांच हो जाएगा। बातें समझ में आ गया? ओके, बातें बिल्कुल समझ में आया होगा, थोड़ा सा छोटा देंगे ना घाटा भी नहीं करेगा, और ये दोनों खत्म हो जाएगा, टाटा बाय बाय, ये दोनों गया तेल लाने के लिए। ठीक है, अब जो एक बटा पांच स्पष्ट बचेगा, क्या बचेगा, एक बटा पांच होगा। ओके, इसको करेंगे क्या, थोड़ा सा बढ़ा दे हमें यहाँ पर। ओके, चीजें दिखता होगा बिल्कुल। अब करेंगे क्या, एक्स बटा उन्नीस इसके बराबर भी लेंगे और इसके बराबर भी लेंगे, यानी कि ये जो एक बटा पांच जो चीज आया रहेगा मेरा अलग स्पष्ट, उसको इस दोनों को बराबर लेंगे। ठीक है, बराबर में एक बटा पांच ले लिए, तो अर्थात और लिख सकते हैं या और लगा सकते हैं, और y बटा छ जो है हमारा इसके भी बराबर लेंगे या एक बटा पांच लेंगे, जितना चीजें आया रहेगा लास्ट में, या क्यों ना जीरो ही हो उसके दोनों को बराबर लेंगे। ठीक है, यानी कि ये दोनों के बराबर में ही होगा। अब कुंचिया गुना, ठीक है, कुंचिया गुना कराना है, यानी x के पांच में गुना हुआ था फाइव एक्स हो गया, बराबर अनिश एकम अनिश हो गया, तथा y से 5 तो 5y, मतलब ऐसे करना है भाई, 6 एकम 6, करना कुछ नहीं है, करना तो बहुत कुछ है, इसको थोड़ा सा ऊपर कर दे। ओके, चलिए अब करना क्या है, यहाँ पर कुछ नहीं तो क्या है, गुना है, पता होगा आठवां क्लास में पढ़े होंगे बिल्कुल। अब x बराबर x 19 आई गुना करना, इधर आएगा तो क्या करेगा, भाग करेगा, यानी कि 5 नीचे आ जाएगा, बिल्कुल x बराबर 19 बटा 5। तथा के बात करेंगे हम, तथा के बाद में कथा इधर होगा बिल्कुल, और छ और गुना कर रहा है, इधर आएगा तो कहा जाएगा पांच हो जाएगा बिल्कुल, यानी कि x के मान 19 बटा 5 और y के मान 6 बटा 5 आपका आंसर आ चुका। ठीक है, और बात करेंगे हम वज्र गुणन विधि, ये कौन विधि था, वज्र विधि था, वज्र गुणन विधि, ठीक है, वज्र गुणन विधि था। ओके, अगर हम मेरे प्यारे भाइयों, अगर हम प्रतिस्थापन विधि से बनाते तो सेम ही आंसर आता है, बिल्कुल बनाएंगे। और बात करेंगे हम विलोपन विधि, ठीक है, विलोपन विधि से अगर हम बनाते तो बिल्कुल इसका आंसर तीनों विधि से क्या आता, सेम आता है। इस समीकरण को अगर हम हल करेंगे तीनों से क्या आएगा, आंसर आपका सेम ही आएगा बिल्कुल। इसी को हम बनाएंगे नेक्स्ट, आप अगला वीडियो में देखिएगा क्या, प्रतिस्थापन चाहे विलोपन दोनों। ठीक है, तो यानी कि प्रतिदिन आपको एक एक वीडियो मिलेगा, और वीडियो अच्छा लगता होगा ना तो एक प्यार भरा कमेंट जरूर करेंगे, और पहली बार जुड़े होंगे, पहली बार देखते होंगे तो जिस प्लेटफॉर्म पर देख रहे हैं, जहाँ देख रहे हैं, आप उसको फॉलो जरूर करेंगे, लाइक और सब्सक्राइब जरूर करेंगे। ठीक है, और अपने दोस्तों के पास शेयर करना मत भूलिएगा। ठीक है, तो प्रतिदिन आपको एक वीडियो मिलेगा ऐसा। ठीक है, अभी तो स्टार्ट है, अभी तो शुरुआत है, और आप लोग जितना प्यार कीजिएगा ना, जितना प्यार भरा कमेंट कीजिएगा, ठीक है, उतना जबरदस्त आप लोग के लिए कंटेंट आएगा। चलिए, तब तक के लिए मिलेंगे अगला वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद और जय भारत।